शुभम की बनाई हुई पूरी सब डरा दिए हमारे आज के एक्सपर्ट दोनों हाथों से लगे हुए हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज करनी है मेरे को मंदिर की सफाई। मंदिर का सारा सामान मैंने निकाल के नीचे रख दिया है, ड्रॉल भी निकाल दिया है, इसके अंदर का भी पेपर चेंज करना है। सबसे पहले तो मैं ये वाला एरिया साफ़ कर लूँगी, दिए की वजह से बहुत ज़्यादा काला हो रहा है। बाहर पे उतना नहीं हो रहा लेकिन अंदर साइड को बहुत काला हो रहा है। तो जब अच्छे से साफ़ हो जाएगा उसके बाद करूँगी मैं इसमें लाल पेंट। मंदिर का सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है, रंगोली, चुनरी, माला, इनको तो धो के रखना है अभी, और ड्रॉल भी खाली कर दिया है। थोड़ा सामान यहाँ पे है और थोड़ा सामान यहाँ पे रखा है, इनको भी साफ़ करना है, उसके बाद ही रखेंगे इनको मंदिर में। तो लग जाते हैं अब काम में। आज भी दिन में बहुत ज़्यादा काम है। कल जो दियो में मैंने पेंट किया था उसमें यार डिज़ाइन बनाना है। कल शाम को मैंने छत में रखे थे, वो अभी भी छत में ही हैं। पहले तो एक बार ये वाला काम फाइनल कर लेते हैं, फिर चलते हैं ऊपर। कोई अच्छे से तो नहीं हो रहा साहब, थोड़ा बहुत ही हो रहा है, थोड़ा सा पेंट से कवर हो जाएगा। वैसे मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही है, पेंट पूरे में करूं या अंदर ही अंदर करूं, समझ नहीं आ रहा है। देखती हूँ एक बार, पहले अंदर साइड को करती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तब पूरे में करूँगी। बारी है दियो में पेंट करने की। कल शाम को मैंने ये छत में ही रख दिए थे और सुबह से भी छत में ही थे, और अभी अच्छे से सूख भी गए हैं। और मंदिर में आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि अभी टाइम भी थोड़ा कम है, शाम तक मुझे ये सारे दिए तैयार करने हैं, उसके बाद हमें कहीं निकलना भी है, देखते हैं कितना टाइम होता है। कल तो एक घंटे में मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। वैसे अभी टाइम हो रहा है 4:05 है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। एक तो लिया है मैंने ब्रश और दूसरा है ईयरबड, देखते हैं जिससे अच्छा बनेगा उसी से बनाएंगे। ब्रश बहुत ज़्यादा मोटा हो रहा है तो इसको काट के एक बार पतला कर लेती हूँ, वरना फिर पूरा फैल जा रहा है और मोटा हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। और ईयरबड्स से तो हो ही नहीं रहा है, ये देखिए एक बनाया था मैंने, इतना मोटा हो गया है, पूरा फैल जा रहा है नीचे, इससे तो हो ही नहीं रहा है। ब्रश को पतला करती हूँ, फिर ब्रश से ही बनाना पड़ेगा। Thank you.
फाइनली सारे दिए भी तैयार हो गए हैं। धूप तो कब के चले गई थी, अब तो अंधेरा भी होने लग गया है। आज भी इनको छत में रख देते हैं, कल सुबह धूप आएगी तब जल्दी सूख जाएंगे। तो आज का काम भी मेरा फाइनल हो गया है। अब जाना है हमें आरू के बर्थडे में, इसीलिए मैंने सारा काम जल्दी जल्दी किया। उसके बाद वहाँ जाते तो सारा काम आधा ही रह जाता है। तो अभी मैं रेडी भी होगी और बर्थडे गिफ्ट भी रेडी है, तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। तो बोल दे थैंक यू। और आते ही संभाल लिया किचन, गुड, बढ़िया बढ़िया बनाना है। ये देखो दोनों हाथों से सब्जी बना रही है, एक ये और एक वो, एक पनीर के लिए एक छोले के लिए। ये देखो एक्सपर्ट, देखो अभी मसाले पक रहे हैं यहाँ पे। और ये भिगा रखे हैं छोले, ये गए पड़े इसमें छोले। आयरन इसमें मुश्किल है, रायता तैयार कर रहे हैं। पहली बार उधर अंकल देखे, वो भी लगे कटर कटर पनीर काट रहे बैठ के। शुभम बना रहा है अभी पूरी, देखो शुभम की बनाई हुई पूरी सब डरा दिए इसने। गाइस अभी खाना खा के घर पे भी आ गए, टाइम तो कम ही हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं अभी। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक भी कर दीजिए। बाय बाय।